Hello everyone, myself Deepak, deal with the topic Women Empowerment with Gender Equality. And now everyone is going to introduce you. Myself Netika Sarwani. Hello everyone, I am Siva Sarwani. Myself Vishal Kumar. I am Mankar Sarwani. I am Monica Sehgal. I am Khushi Jaiswal. Okay, fine. So as Deepak explained the significance of women empowerment, we'll try our best to deliver the topic women empowerment through our play. We'll have some scenes, we'll describe a woman's journey throughout her life and how the male in her life dominate her and allow her to fulfill her wishes. So we'll have our first scene with our characters, the wife, the husband and the father-in-law. काम करना है तो भी बाहर जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता हमारे घरों में। नहीं, अगर तुम बाहर जाओगी तो घर का काम कौन करेगा? काम साथ में हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं जो कमा रहा हूँ उसमें कम पड़ रहा है क्या? हमारा घर चल नहीं पा रहा मेरी कमाई से, जो तुम्हें भी कमाना है बाहर जाके। क्या हो रहा है तुम लोगों के बीच में? देखना पप्पा ये क्या कह रही है। ये कह रही है कि बाहर जाके कमाएगी। कमाएगी? क्या कमाएगी मतलब? ये कहना चाहती है कि ये बाहर जाके काम करेगी। क्या तुम्हें घर में खाना पीना कम पड़ रहा है, घर का काम कम पड़ रहा है, जो तुम्हें अब बाहर का भी काम करने जाना होगा? क्या तुम्हें यहाँ पे कौन सा इंडिपेंडेंस तुम्हें नहीं मिल रहा, मुझे आप ये बताओ पहले। क्या तुम्हें चार दीवारी में बंद रखते हैं यहाँ पे? यहाँ तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, हम तुम्हें जेल में बंद रखते हैं। मैं कमा रहा हूँ, मेरा बेटा कमा रहा है, अब तुम्हें कमाने की क्या जरूरत है? मेरी सात पीढ़ी घर में काम करती आई है, अब तुम्हें भी काम करना है, वो भी बाहर जाके। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें और तुम्हारे ख्याल में ये कैसे आ? तुमने बताया नहीं थी पत्नी को? मैंने तो बोला कि मेरी मम्मी भी घर में बैठ के काम करती थी, मेरी दादी भी घर का काम करती थी, तुम्हें क्या जरूरत पड़ती बाहर जाके कमाने की? लेकिन ये मेरी बात सुनती ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें घर के रिवाजों के अनुसार चलना होगा, ठीक है? तो अब तुम लोग अपने से एक बार डिस्कस कर लो, क्या करना है तुम्हें, क्या नहीं करना है। मैं तो अलाउ नहीं कर रहा कि घर की बहू कहीं और जाकर के काम करे। घर में किसी चीज की कमी अगर हो तो आप बताओ, मैं पूरा करूंगा। नहीं हो रहा है तो आप बताना। बट अब देख, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं भी तुम्हें बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहा। मैं तुम दोनों पति पत्नी के बीच में नहीं आ तो जैसे कि आप सब ने देखा कि एक पढ़ा लिखा कूल यंग जनरेशन हस्बैंड और एक अपना दूनी बाप, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, आज का हो, पुराना हो, वुमेन को हमेशा ही डोमिनेट किया जाता है। आज हो, कल हो, कुछ भी टाइम हो, कुछ भी सिटी हो, किसी ना किसी तरीके से हम देखते हैं हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में, हर जगह किसी ना किसी तरीके से वुमेन को डोमिनेट किया ही जाता है। तो विल कम फॉरवर्ड टू आवर सेकंड सीन इन विच द वाइफ विल गो टू हर फादर बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस शी फेसेस एंड हिम विद हर इन लॉज। बाहर जाके काम करना है, करोगी क्या? तुम्हारा पति इतना अच्छा कमाता है, खाने को मिल रहा है, घुमाता है, वो खुद दिखाता है लाके, करोगी क्या? समझाओ क्यों मुझे, बताओ। तुम्हारी मम्मी को देखो, घर में है तो इतनी खुश है, क्या खुश नहीं हो? बाहर की दुनिया तुम्हें घुमा रही है, बाहर की दुनिया तुम्हारा समझ रही हो कुछ ना? भगवान क्या हो गया तुम्हें, समझ में नहीं आ रहा मुझे कुछ। उसको पैदा किया, जिस माँ बाप ने उसको इतना पढ़ाया, उन्हें भी लगता है कि हर लड़की का पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने घर को संभाले, वो अपने हस्बैंड को संभाले, अपने लॉज की सेवा करे। जैसे घर चलाना तो उसका जन्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि
लॉयर के पास जाती है अपने हक से लड़ने के लिए। ये हम बात करते हैं आपके पेरेंट्स से भी है, अपने हस्बैंड को कुछ बुलाइए बात करते हैं, देखते हैं क्या मैटर है। आजकल तो पूरी हर महिलाएं काम कर रही है, बाहर उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए ठीक है, बात करते हैं देखते हैं क्या होता है। बुलाइए पेरेंट्स को, आप अपने पेरेंट्स को बुला दो, पेरेंट्स या हस्बैंड को बुला के लाइए, फिर हम बात करते हैं देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है। अदरवाइज फिर लास्ट ऑप्शन तो हम देखेंगे फिर आगे क्या होता है। ठीक है, हम बुला के। In this scene, we'll see how Kushi will bring her in-laws and father to the consultant. नमस्कार। बहुत बढ़िया है। आप लोग का कृपा बना। क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? इनके जॉब करने से आप लोगों को क्या प्रॉब्लम? ये कहती है बाहर जाके कमाएगी, कहती है कुछ इनकम घर में आएगी, हमारी की इनकम कम पड़ रही है, इसको चाहिए बाहर जाके कमाएगी। लेकिन इतना कुछ पढ़ा हुआ है, इतनी मेहनत किया हुआ है, अगर ये जॉब करें तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आज देश में इतनी महिलाएं हैं, इतने बड़े बड़े पोस्ट पे पहुंच चुकी हैं, सब काम करें तब अच्छे से करें, अगर वो घर चला रही है। आप पहले आप मुझे एक बात बताओ, आपकी बहू बेटी काम करने जाती है बाहर? ऐसा तो मैंने नहीं देखा कहीं पे, मेरे पड़ोस वाले तो घर में बैठती है। लेकिन प्रॉब्लम, लेकिन मेरी बहू जाएगी बाहर तो लोग समाज क्या कहेंगे? अच्छा, यही था कि घर में पूछती क्यों छूट रहा, बहू को भी काम पे नहीं रखा है। यहाँ तो हमारा पर ही लगेगा ना कि हम काम आते हैं। एक बात सुनिए, हमारी भी एक बात। अच्छा, अगर आपकी बहू काम करेगी, जी काम करेगी तो कहीं से कुछ पैसे भी आएंगे। हाँ, अगर आपके घर पे पैसे आ रहे हैं तो उससे क्या आपको ज्यादा हो जाएंगे पैसे? आपके पास बहुत ज्यादा पैसे आए थे, वो अगर बहू भी कमा रही है एंड उसने इतनी पढ़ाई करी है, इतना अपना करियर मतलब इतना टाइम लगाया उसने, तो अगर वो कहीं पे काम कर रही है तो आपको काम करने से प्रॉब्लम क्या है? हे राम हे राम, क्या कर रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है तुम्हारे यहाँ पे? देखिए क्या कर रही है, जब ऐसी न्यूज में खबर आती है तो आप लोग भी बात करते हैं समाज में, अरे हमारे देश की महिला थी उन्होंने इतना अच्छा काम किया, इतना काम है यार, तो यही तो मन है। आप लोग काम ही करना है तो घर में भी तो काम है काफी। लेकिन देखिए, मैं घर का काम करने की बाहर वाले लड़के, लड़की ने इंजीनियरिंग कर रखा है, उन्होंने इतनी अच्छी इनके पास डिग्रियां हैं, तो आप उनको ये चीज ये उपयुक्त है कि वो घर पे काम करें आपकी, इससे उनके नॉलेज आप कहीं और लगाओगे, देश की इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका भी नाम होगा, अगर उनका नाम होगा तो वो। लेकिन पापा हमारा समाज, वो समाज समाज में आज देखिए हमारी महिलाएं, आज हरियाणा में देख लीजिए, हरियाणा में गीता फोगाट, उन्होंने हमारे देश में कितना नाम किया, हमारे देश का सबने, आप लोगों ने भी किया। आप लोग जो बात करते हो केवल बाहरी महिलाओं के ऊपर की, उसने अरे वाह इतना अच्छा कर दिया, लेकिन जब हमारी अपने खुद की बात आती है तो हम लोग ये क्यों नहीं समझते कि ये हर आदमी ही पार्टिसिपेट करेगा तभी ये चीज वुमन एम्पावरमेंट, वुमन एम्पावरमेंट की बात होती है। लेकिन अगर जब तक हम हर आदमी अगर एक दूसरे से कंधा मिला के पार्टिसिपेट एंड सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कैसे वुमन एम्पावरमेंट होगा, और एक दूसरे को बाहरी वालों को भी चीयर करोगे तो कैसे हो सकता है? ये फिजिबल है, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो आपको उसको सपोर्ट करना चाहिए, इतना अच्छा है वो घर पे भी महिलाएं मतलब सपोर्ट कर रही है। और रही बात आपको खाना बनाने की, आप एक मेड के आजकल हर आदमी जिसकी जो एबिलिटी है तो उसकी एबिलिटी को वेस्ट क्यों कर रहे हैं?
उसको यूज करिए ना। वकील साहब आपकी बात हमको समझ में आ गई है, अब हम इसको कराएंगे, ये रखें या ना रखें, हम रखेंगे। अरे नहीं मेरी वाइफ भी बाहर जाके कमाएगी और मेरा घर में घर चलाने का साथ लगाएगी। और आप कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता नारी हो और कमजोर हो, तुम सब कुछ कर सकती हो, हर जगह पार्टिसिपेट कर सकती हो। आज महिलाएं हर जगह कर रही हैं और देश का नाम रोशन कर रही हैं, तो हर चीज महिलाएं कर सकती हैं। डिफेंस से लेके हर सेक्टर में महिलाएं परफॉर्म कर रही हैं और उनको सबकी सपोर्ट की जरूरत है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग भी इसमें सहमत हुए कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं। यस सर, आपने तो हमारा घर बचा लिया वकील साहब। जननी हूँ जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं, शख्सियत हूँ वह सरकार भी हूँ मैं, नारी हूँ कमजोर नहीं, दर्पण हूँ वो अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं, स्वाभिमानी हूँ वो आत्मनिर्भर भी मैं, टूट के बिखरू अब वो वक्त नहीं, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी मैं खुद में पूरी, साथ चलना हो तो हाथ बढ़ाना, पीछे हटना अब मुझे मंजूर नहीं। So this is the end of our play. महिलाओं को लास्ट कमजोर जीवन का है। We are strong together.